हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपने लेके आए हैं मैथ में क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर सेकंड पार्ट नंबर 1। मैट्रिक्स इज 1 3 माइनस 1 माइनस 4 3 माइनस 1 माइनस 2 1 एंड 1 3 5 2 4 6 और लिख रखा है बच्चों इवैल्यूएट या सिंपलीफाई। बच्चों जो ये सिंपलीफाई के सवाल है ना, इसमें बच्चों को अगला कुछ नहीं बोलता, ठीक है। सबसे पहले हमने ना इसको इस पर इसके निष्कर्ष पर जाना है, इसको देखना है अच्छे से। देखने के बाद में हमने खुद निष्कर्ष पे जाना बच्चों, इसमें हम कर कह सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में जो मैट्रिक्स निकलेगा उस मैट्रिक्स के बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये पैटर्न रहेगा इसमें। तो पहले बच्चों अपना काम है इन मैट्रिक्स को ऐड करना। एक बार हम इन दोनों को कर देंगे बच्चों ऐड, क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे। तो 3 और 1 4, ये बचा माइनस प्लस का 1, ये हो गए माइनस का 2, ये हो गए माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ये है 1 3 5, 1 3 5, 2 4 6। इस तरीके से बच्चों हमने ये ऐड जो एडिशन था वो कर लिया बच्चों। अब बच्चों आपने क्या देखना है, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? इसका ऑर्डर है 2/3 का, 2/2 का। इसका ऑर्डर है बच्चों 2/3 का। सिंस नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, दोनों के इसके कॉलम और इसके रो के बराबर है बच्चों। तो यही बात आपने लिख देना है, सिंस नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल। ये बात लिखने के बाद में आपने बच्चों मल्टीप्लाई करनी शुरू कर देनी है। बच्चों मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये पैटर्न रहता है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कैसे करनी बच्चों दो मैट्रिक्स की, तो मल्टीप्लाई होगी बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला पैटर्न रहता है। अब बच्चों मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 4 × 4 2 × 2 प्लस के 2, 4 × 3 = 12, 4 × 4 4 × 5 = 20, 6 × 6। इस तरीके से बच्चों ये हो गया माइनस का 2 माइनस की 6 माइनस की 6, 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10, 6 × 3 = 18, ठीक है। उसके बाद में 4 × 2 = 6, 12 × 4 = 16, 20 × 6 = 26, ठीक है। ये हो गए माइनस के 8, ये हो गए माइनस के 12 और 8 कितने 18, माइनस के 18, ये हो गया बच्चों माइनस के 28, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द ऑर्डर मैट्रिक्स टू रो थर्ड कॉलम 2/3 का ऑर्डर रहेगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट पार्ट पर। यस गाइस, आपका बच्चों सेकंड सम सेकंड पार्ट, सेकंड सम सेकंड पार्ट इवैल्यूएट, ये लिख रखा है बच्चों इवैल्यूएट। तो बच्चों सबसे पहले अपना इसको ध्यान से देख ले करना है क्या बच्चों इसमें बच्चों सब मतलब तीनों मैट्रिक्स को बच्चों हमने क्या करना है मल्टीप्लाई तो करनी है। तो बच्चों इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है बच्चों हमने मल्टीप्लाई। तो तरीका क्या रहेगा, पैटर्न यही रहता है बच्चों, पहले हम ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों इसकी इसके साथ में, जो कि फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ में, फिर इस कॉलम के साथ में, इस कॉलम के साथ में, तो कुछ ही नहीं। तो कर देंगे बच्चों अभी 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 0 = 0, 1 × 0 = 0, 2 × 0 = 0, 3 × 3 = 3, 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6। इस तरीके से बच्चों में इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। ये वाली बच्चों नुक्कड़ लिख देंगे 2 4 6, ये वाली नुक्कड़ लिख देंगे बच्चों। लिखने के बाद में इसको हम सिंपल इसकी बच्चों सिंपलीफाई कर देंगे हम, 4 में 1 जोड़ दिया 5 बनेगा, ये बच्चों 3 का 3 रहेगा, 6 × 4 = 6 2 × 8 = 10, ये 10 बन जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स नुक्कड़ में आ जाएगा बच्चों जो जो है 2 4 6, ठीक है। उसके बाद में हमने करनी है मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10, 3 × 4 = 12, 10 × 6 = 60, ये मल्टीप्लाई करती है बच्चों। अब बच्चों और सिंपलीफाई करते हैं तो इसका जोड़ देंगे हम, 60 × 10 = 70, 70 × 10 = 80, 82 = 82, बच्चों इसका जो आंसर रहेगा ना 82 आंसर रहेगा,
सिंगल टर्म में बच्चों आंसर आ जाएगा, वैसे इसका आंसर रहेगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस गाइस, अब तो थर्ड सवाल है बच्चों, थर्ड पार्ट है, सेकंड सम थर्ड पार्ट है। इसमें बच्चों एबीसीडी में इस तरीके से बच्चों मैट्रिक्स गिवन है हमें, इसको बच्चों सिंपलीफाई करना है। तो बच्चों सिंपलीफाई करने के लिए बच्चों ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आएगी, ये दोनों मैट्रिक्स में बच्चों मल्टीप्लाई में आएगी, उसके बाद में बच्चों उसको हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं बच्चों, हमें ए की मल्टीप्लाई सी के साथ में, ए सी बी की मल्टीप्लाई डी के साथ में प्लस बी डी हो गए बच्चों, प्लस में ए की ए के साथ में ए का स्क्वायर बनेगा, बी की बी के साथ में बी का स्क्वायर बनेगा, सी की सी के साथ में सी का स्क्वायर बनेगा, डी के साथ में डी का स्क्वायर बनेगा। इसके बाद में बच्चों अपना आप करेंगे क्या, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में बच्चों हमें पता है जो स्क्वायर के नंबर है ना वो पहले लिखने होते हैं, जो इस तरीके के नंबर होते हैं वो बाद में लिखने होते हैं। तो पहले आप ये लिख देंगे, मतलब आपका जो आंसर है ना उस पैरों में आंसर रहेगा इसका ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह इस सवाल में बच्चों ये आंसर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस बच्चों को आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।